मैं सोच रहा हूँ कि आज कैसे महाराज बिना मुझे साथ लिए पड़ोसी राज्य के राजा से मिलने चले गए। वैसे महाराज जैसा शूरवीर तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मन में कुछ गड़बड़ लग रही है। खैर, जो होगा देखेंगे, और देखेंगे तो जानेंगे, और जानेंगे तो समझेंगे। जल्दी कैसे आ गए? ये हमारा महल है, हम यहाँ जब चाहे तब आ जा सकते हैं। तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले? सेनापति, हम अपने राज्य की सीमाओं को और बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन महाराज, उसके लिए तो जानते हैं, उसके लिए हमें पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना होगा। सेनापति, इस सप्ताह के अंत में सेना को हमारी सीमाओं से लगे सभी राज्यों पर आक्रमण करने का आदेश दे दो। महाराज क्षमा कीजिए, मैं आपकी इस बात का विरोध करता हूँ। आक्रमण अपनी रक्षा के लिए शत्रुओं पर किया जाता है, मित्रों पर नहीं। ये मजाक कि तुम मेरी बात का विद्रोह करे, तू देशद्रोही। ठीक है, रुको, मैं इसे खत्म कर देता हूँ। महाराज, ये आपको क्या हो गया है? सैनिकों, पकड़ लो इसे! महाराज का बर्ताव कुछ अजीब है, और वो चक्र भी नहीं निकाल पाए। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। रे अंगूठी, खोल दे तू ये राज। क्यों बदले बदले से हैं महाराज? ये तो काला पहाड़ है। ये क्या? ये कैसी अजीब सी चिड़िया है? इस राज को जानने के लिए मुझे काले पहाड़ पर जाना होगा। चमचम चुड़ैल, खोपड़ी और डम डम रमा की लाश। जरूर ये जाल इन्होंने ही बिछाया होगा, पर मामला क्या है? कब से इस विक्रम की पहरेदारी कर रही हूँ, यहाँ बैठे बैठे मुझे तकलीफ आ रही है। क्या कर रहे हैं पहरेदारी? पाल रहे हैं महल में दबान निर्दया प्यारी। तो ये बात है, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। रमन, एक बार राजा विक्रम और मुंजा खत्म हो जाए, फिर उस महल में जाकर हम सोएंगे। इन लोगों को तो चैन की नींद सुलानी ही होगी। मुझे बहुत भूख आ रही है। आ रही है मुझे भी, मेरी यार प्यारी। देख गई मुंजा। महाराज, महाराज आप चिंतित न होइए, अब मैं आ गया हूँ। वाह मुंजा, तुम फिर से ठीक समय पर आ गए। अब इसके पहले कि वो जाग जाए, जल्दी चलो। उसकी चिंता मत कीजिए महाराज, वो लोग लंबी नींद सोएंगे। नींद की रेत। शाबाश मुंजा, पर तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया? कुछ अपनी होशियारी से, बाकी अपनी अंगूठी की मदद से। ये तो बताइए महाराज, आप इस शरीर में आए कैसे? भलाई करने गया और डम डम रमा की जाल में फंस गया। उस दिन जब मैं काली माँ के मंदिर से पूजा करके वापस लौट रहा था, तो मुझे कहीं से रोने की आवाज सुनाई दी। झाड़ी के पीछे झांक कर देखा तो एक अजीब सी चिड़िया रो रही थी, और फिर उसे पूछने पर पता चला इस अनहोश राज्य में आके घोंसला बनाते मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब मैं और मेरा बेटा जी कर क्या करेंगे? मैंने उसका घोंसला बनाने में मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने मुझे ये कहकर रोक लिया कि हम सिर्फ
सिर्फ अपने पति के हाथ से बने घोंसले में ही रहते हैं। अब ये संभव नहीं है राजा विक्रम, यहाँ रोते रोते मुझे भी मेरे प्राण त्यागने होंगे। तब मैंने इंद्रदेव के दिए हुए मंत्र से उसके पति के शरीर में प्रवेश कर लिया। ओम यम किम फट, ओम यम किम फट। मैंने भागने की कोशिश की, उसके जादू के बल से दम दम ने मुझे अपने वश में बना लिया और यहाँ कैद कर दिया। अच्छा, कभी मैं सोचूं कि हमारे महाराज कैसे बुरे हो गए। महाराज अब देखिए कैसे मैं इन लोगों को ठीक करता हूँ। चलो मुझा, मुझे किसी भी तरह इस चीला की शरीर से निकलकर अपने शरीर में प्रवेश करना ही होगा, नहीं तो वो तो शुद्धांतिक। यहाँ से बच के नहीं जा सकते। अब तुम दोनों की आत्मा को मैं मुक्त कर दूंगा, क्योंकि अब मैं विक्रम हूँ, समस्त शक्तियों का मालिक। तो मुंडा यहाँ आ गया है। क्यों उठा रहे हो डम-डम? तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि ये शरीर विक्रम का है। अब तू देख मुंडा कैसे बनाता है तुझे गंजा। किसी काम के नहीं, अब मुझे ही मुंजा को खत्म करना पड़ेगा। मत काट, तुम्हारा महाराज का शरीर है ये। मुझे इस शरीर से निकलना ही होगा। ओम यम प्रेम पट, ओम यम प्रेम पट, ओम यम प्रेम पट, ओम यम प्रेम पट। आखिरकार मैं अपने शरीर में आ ही गया। अब देखता हूँ इस डम-डम को। हिम्मत में तो उठा दबा और मेरे वार का सामना कर। हमारे वार का सामना महाराज? तेरा सारा खेल खत्म कर दिया मुंजा। अगली बार मैं तुम्हें देख लूंगा विक्रम, देख लूंगा, देख लूंगा। मुंजा मुझे क्षमा करना, मेरे कारण तुम्हें इस दुष्ट तांत्रिक ने बहुत कष्ट दिया। महाराज आप क्षमा मांग के मुझे लज्जित न करें, मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक बाद में, पहले मित्र।